सैमसंग के नक्शे कदम पर चलते हुए एलजी ने पहला फोन साल के आखिर में G6 और दूसरा फोन V30 प्लस 44,990 कीमत का लॉन्च किया है। पहली नजर में यह फोन डिपेंडेबल डिवाइस लगता है, लेकिन क्या इसमें और भी बहुत कुछ है, आइए देखते हैं। इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो एलजी ने इसे 6 इंच के डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो और 2880x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ पेश किया है। इसमें न्यूनतम और कम स्पेस घेरने वाला बेजल दिया है। इसका IP68 सर्टिफिकेशन इसे पानी और धूल से रोकता है, मतलब यह फोन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस सुविधा से लेस है। फोन के पिछले कवर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें शीशे का इस्तेमाल किया गया है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन के साथ एम्बेडेड है, जो कैमरा मॉड्यूल के नीचे स्थित है। इस फोन में 16 MP और 13 MP सेंसर दिए गए हैं, जिसे फ्लैश के बगल में फिक्स किया गया है। इस फोन में LG ने वाइड एंगल लेंस फीचर दिया है। इसका रियर कैमरा बेहद ही अच्छा है, जिससे पिक्चर साफ रंगों और पर्याप्त डिटेल के साथ निकलता है। कुल मिलाकर इस फोन के लिए गए पिक्चर्स बेहद ही बढ़िया क्वालिटी के निकलते हैं। इसका ऑनबोर्ड स्टोरेज काफी ज्यादा है, जिसे 2 TB के माइक्रो कार्ड इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस पर मौजूद हाई ब्रांड ड्यूल सिम डिजाइन के कारण यह मोबाइल में मौजूद दूसरे सिम में स्पेस बना लेता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर इसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की क्षमता प्रदान करता है। इस पर वायरलेस चार्जिंग फीचर के साथ 3300 mAh की बैटरी भी दी गई है, साथ ही क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी 3.0 भी दिया गया है। इसकी बैटरी को टेस्ट करके हमने पाया कि इसको लगातार इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी बैटरी को एक दिन से ज्यादा दिन तक चलाया जा सकता है। इसमें स्नैपशॉट, मैच शॉट, गाइड शॉट, ग्रिड शॉट जैसे मोड्स दिए गए हैं, जिनका हमें लगता है कि कुछ खास इस्तेमाल नहीं है इस फोन में। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इसका 5 MP वाइड एंगल फ्रंट शूटर सेल्फी लवर्स के लिए काफी निराशाजनक है। यह देखना काफी अच्छा है कि LG ने डिजाइन और परफॉर्मेंस में बड़ी छलांग लगाते हुए इसे बेहद ही आकर्षक डिजाइन में पेश किया है। फोन में स्क्रीन टिंट जैसी कुछ खामियां हैं और कैमरा हल्का सा झुका हुआ है, लेकिन कीमत में थोड़ा ज्यादा होने की वजह से यह जेब पर भारी पड़ सकता है। Honest Report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.